नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला और आज हम लोग आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेके आए हैं। यूपीपीएससी के जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो अभी अभी पद आए हुए हैं 1473 पद के लिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी और बहुत दिनों बाद आई है। बहुत अरसे से अभ्यर्थियों को इसका इंतजार था। हालांकि उधर 12, 13, 14, 15 में तो लगातार पेपर हुए थे, लेकिन 15 के बाद से अब सीधा 2020 में सुनाई को पड़ा है। तो बहुत दिन से लगातार इंतजार बना हुआ था कि कब आएगा जीआईसी प्रवक्ता का, वो आपके सामने आ गया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये यूपीपीएससी आयोग करा रहा है, वो भी इस समय करवा रहा है जब ये आयोग सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन है, सबसे कम समय में पेपर करा ले रहा है, सबसे ज़्यादा जिसे बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर करा रहा है। और पहले अगर देखा जाए तो पहले बहुत कुछ हो जाता था जिसकी बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी सब कुछ आपके हाथ में है। और इसमें एक चयन, एक पद के चयन के लिए आपको अब सबसे ज्यादा आपकी मेहनत डिपेंड करती है। तो आपके साथ मेहनत करने के लिए पूरी टीम बहुत ही जोश, बहुत ही उल्लास के साथ उतर गई है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेके बहुत ही किफायती दाम में भी सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारा चीजें जो डिटेल था वो आपको रमन सर बता ही दिए थे। जिस दिन आई थी वैकेंसी, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि पूरे वैकेंसी का डिटेल दिया था। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज आ रही है कि सर कोर्स जल्दी से जल्दी प्रारंभ कर दिया जाए वरना लेट होगा। एक बात दिमाग में आप हमेशा रखिएगा कि ये यूपीपीएससी करवा रहा है और आयोग इस समय बहुत ही ज्यादा अनुशासन में है और बहुत ही कम समय में। आप देख लो खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर, कितनी भी यहाँ पे कोरोना काल में भी उसने अपने निर्धारित समय पे पेपर कराया। जिस दिन वो बता दिया कि पोस्टपोन्ड होके इस डेट पे करा लूंगा। यूपीपीएससी के सारे पेपर, पीसीएस जो प्री हुआ, मेंस हुआ, सारे अपने समय पे हो रहे हैं, आरओ अपने समय पे हो रहा है। तो ये परीक्षा भी आपकी बहुत ही कम समय में हो जाएगी। तो जितना ज्यादा आप जितने कम समय में मेहनत कर लोगे, और सबसे बड़ी बात एक तो होता है मेहनत करना, एक होता है सही दिशा में मेहनत करना। और जब सही दिशा में मेहनत करेंगे तभी आपकी दशा भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उस सही दिशा में मेहनत करने के लिए आपके पास बहुत ही कंसाइज मटेरियल होने चाहिए, आपका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, जितना हो सकता है उतना आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, और जितने तरीके से, जितने अच्छे तरीके से हो सकता है उतने अच्छे तरीके से आपको अपने नॉलेज को बूस्ट करना है, अपने प्रैक्टिस को एनहेंस करना है। तो इन सारी बातों को, इस पूरा सब कुछ भरपूर एक हमने जो कोर्स लॉन्च किया है 1473 पद के लिए, जो आपको यहां पर दिख रहा होगा कोर्स प्रारंभ, और सबसे बड़ी बात है इसमें हम प्रथम 50 अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही स्पेशल छूट लेके आए हैं जो इसी में आपको आगे जानने को मिलेगा। तो पूरी वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये है, हम कुछ विशेषताओं की बात कर ले रहे हैं कि जो हम आपको इस कोर्स में दे रहे हैं। सबसे पहले बात मैं बता दूं कि आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है, प्रीलिम्स के पेपर में आपका प्रीलिम्स, क्योंकि अभी यहाँ पे प्री और मेंस सब कुछ एक साथ कर दिए हैं, तो प्री में आपका 40 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन का डिवीजन है। 40 और 80 क्वेश्चन के डिवीजन कहने का मतलब कि ये जो 40 क्वेश्चन होगा वो सामान्य अध्ययन क्या होगा, या ऐसे बोल दें कि जीएस का होगा, और आपका जो 80 होगा वो ऑप्शनल होगा, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट होगा। ऑप्शनल से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शनल है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू, बहुविकल्पीय होंगे, आपके पास चार ऑप्शन होंगे, और ये पूरे के पूरे जो 120 प्रश्न हैं ये क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि एमसीक्यू वाले होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, चार आपके विकल्प होंगे, उसमें से चुनना होगा। ये प्रीलिम्स का है। लेकिन जो मेंस है आपका, इस बार इंटरव्यू खत्म करके मेंस में आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। वहां पे आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी अपने सब्जेक्ट में भी, निबंध में भी, और हिंदी में भी। तो पहला जो पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो मेंस पेपर है वो आपका सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव पेपर में निगेटिव मार्किंग भी है, 100 की निगेटिव मार्किंग है। और इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए बहुत ही व्यापक कोर्स यहाँ पे लाया गया है, जिसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगे पूरे, जो आपका पेपर वन है यानी कि जीएस के लिए, और जो आपका विषय है यानी कि सब्जेक्ट के लिए, दोनों के लिए बहुत ही विधिवत क्लासेस यहाँ पे चलाई जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट से भरपूर, प्रैक्टिस से भरपूर सब कुछ यहाँ पे आपको दिया जाएगा। और सबसे ज़्यादा खूबसूरती इस कोर्स की ये है कि आपको रोजाना, आज से अगर आप जुड़ जाते हो हमसे, तो आपको रोजाना एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाया जाएगा, जो आप ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी, हमारे परीक्षा प्लस ऐप
के माध्यम से दे सकते हो या परीक्षा प्लस की वेबसाइट के माध्यम से दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो पीडीएफ के माध्यम से उसे प्रिंट करा के वैसे भी दे सकते हो, जिस माध्यम से आप देना चाहो। वो तीनों माध्यम आपका रोजाना, अभी ये 4 महीने का कोर्स है और ये भी निर्धारित है कि अगले 4 महीने में आपका पेपर हो जाना है, तो समय नहीं गंवाना है, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा के साथ अपने दृढ़ संकल्प बना के निश्चय कर लेना है कि हमें इसमें एक पद 1473 में एक पद लेना है अपने लिए, अपने अपने विषय के लिए, और हमें प्रवक्ता बनना है ताकि आपकी जिंदगी एकदम पटरी पे आ जाए और सब कुछ 360 डिग्री से बदल जाए। तो 120 प्रैक्टिस सेट यानी 4 महीने में, अगर एक दिन में एक यानी कि 30 दिन में 30 यानी कि 4 महीने में हम 120 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करा देंगे, और अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी केवल इसका देख लिया जाए तो 40 प्रश्न एक दिन में अगर आप करेंगे, यानी एक दिन में 40 तो 120 × 40 यानी 4800 प्रश्नों का आप प्रैक्टिस कर लोगे और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बहुत ही कंसाइज वे में हम इस पूरे कोर्स को यहाँ पे संचालित करने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज्ञान आपका बढ़ने वाला है और आपके सिलेक्शन पक्का होने वाला है। साथ ही हम 2500 GS के MCQ के आपको यहाँ पे एक पुस्तिका देंगे, जिससे पढ़ने वो सारे जो 2500 क्वेश्चन होंगे वो वही प्रस्तावित प्रश्न होंगे जो हो सकता है मोस्ट एक्सपेक्टेड जो हो सकता है और उससे थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि अब मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब ये नहीं कि हम आपको केवल 120 प्रश्न दे देंगे, जाहिर सी बात है जब आप उसका करीबन 10 गुना 20 गुना पढ़ोगे तब जाके आप उस प्रश्न को कर पाओगे, तो वो 10-20 गुना जो आपका निकाला गया है लगभग 20 गुना प्रश्न आपको यहाँ पे इस पुस्तिका में आपको अभ्यास कराया जाएगा। साथ में ही क्योंकि ये राज्य विशेष है और अभी आप आरओ देखो बीओ देखो तो यहां पे राज्य से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं और इन खासकर मैं इस सामान्य अध्ययन की बात कर रहा हूं तो जीएस वाले पार्ट में आपका जरूर पूछेगा यूपी, उसके लिए हमने भी करीबन उसका 20 गुना जितना पूछ सकता है उसका 20 गुना 30 गुना क्वेश्चन सेट करने की कोशिश की है जो आपको इसमें मिलेगा। तो आपको 2500 क्वेश्चन यहां पे मिलेंगे, 400 यहां पे मिलेंगे, 120 प्रैक्टिस सेट में 4800 यहां मिलेंगे, मतलब आप सोच सकते हो कि करीबन 8 से 9 हजार प्रश्नों का अभ्यास तो आप इन 4 महीनों में बहुत ही स्मूथली कर लोगे और सब कुछ बहुत ही अच्छे से तरीके से कर लोगे। इतना ही नहीं, आपको इसके लिए बहुत ही कंसाइज नोट्स दिए जाएंगे जो नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, सामान्य अध्ययन के भी और वैकल्पिक विषयों के भी वीडियो क्लासेस तो मिलेंगे ही, प्लस आपको उसके सारे के सारे नोट्स मिलेंगे जो पीडीएफ के फॉर्म में हो जाएंगे। प्रतिदिन अभ्यास के लिए मैंने बता ही दिया, जो बच्चे वैकल्पिक विषय के लिए वहाँ पे रजिस्टर करेंगे कोर्स लेंगे उनको 10 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा उस पर्टिकुलर विषय के लिए, ताकि आपका वहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्हेंस हो सके और आपके सिलेक्शन के चांसेस हो सके। सामान्य अध्ययन के जैसे मैंने बता ही दिया 2500 प्रश्नों का और यूपी का 400 मैंने बता ही दिया। इसके साथ ही व्यक्तिगत मार्गदर्शन तो पूरी टीम परीक्षा प्लस हमेशा आपके साथ अंत तक जुड़ी रहती है और इस कोर्स में भी आपकी सफलता तक आपके साथ जुड़ी रहेगी। ये तो हमारे रहा कि कोर्स के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आप देख लो, जैसे अभी साथ में आपका TGT और PGT भी आया हुआ था नोटिफिकेशन, हालांकि अभी आपका पोस्टपोन्ड हो गया है लेकिन आएगा वो फिर से जीव विज्ञान जुड़ के, तो वो तो वैकेंसी आपके साथ में लगी हुई है, प्लस आपका ये सौभाग्य है कि साथ में ही आपके कौन से आ गए हैं, आपका GIC लेक्चरर भी आ गया है, हालांकि ये तो आपका माध्यमिक कराता है, ये आपका UPSC कराएगा, प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा इसका ज़्यादा होगा और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 40 क्वेश्चन GS है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मैं आपको एक छोटा सा मोटी सी बात बता दूं कि ये जो UPPSC वाली UPPSC की जो GIC प्रवक्ता का पोस्ट है ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत क्रीम चांस बन के आया है जो PCS की तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल सेवा क्षेत्र में RO समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और PCS की तैयारी कर रहे हैं। कारण क्या है कि उनका एक वैकल्पिक विषय होता है और वो वही विषय लिए होते हैं जो उनका ग्रेजुएशन में होता है, साथ में ही वो GS वाले 40 वाले क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर रहे होते हैं, तो उनका वैकल्पिक विषय यानी कि अभी समझो कि ये 2015-16-17 वाला UPPSC का पेपर हो गया है ना, उनका वैकल्पिक विषय तो यहाँ पे रहेगा ही, ऑप्शनल जो रहेगा वो तो रहेगा ही ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ, और इसके अलावा जो उन्हें GS यहाँ पे है वो बहुत करेंगे, तो कंपटीशन टफ होने वाला है, प्लस आयोग के प्रश्नों का स्तर टफ होता है। हम अभी आरओ 2016 वाला पेपर देख लें, बीओ का देख लें, तो नो डाउट इसके भी प्रश्न का स्तर बहुत अच्छा होगा। अब क्या, अभी मैं एक बात छोटा सी बता दूं कि इस GS के डिवीजन में देखा जाए तो 40 प्रश्न आएंगे, 40 प्रश्न में करीबन 5 से 6 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के होंगे, ऐसे ही 4 से 5 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के होंगे, ऐसे ही आपके 2 से 3 क्वेश्चन कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स के दे सकते हैं, आपके 2 से ही 3 क्वेश्चन यूपी के होंगे,
ऐसे ही आपके 7 से 8 क्वेश्चन समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स के होंगे। और इसके अलावा आपका इन्वॉल्वमेंट हुआ, एग्रीकल्चर हुआ और भी मिसलिनियस पार्ट हुआ, वहां से क्वेश्चन पूछेगा, प्लस पॉलिटी के भी 4 से 5 क्वेश्चन। तो ऐसे करके इतना तो आपका जीएस पार्ट हुआ, इसी में आपका मैथ्स और रीजनिंग भी इस बार स्पेशल लिख दिया। हालांकि पहले तो मैथ्स से केवल पूछता था, तो मैथ्स और रीजनिंग भी है और यहां से भी टोटल मिला के 5 से ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है। तो 4-4, 5-5 प्रश्न के लिए आपको इतनी मेहनत करें, आप समझिएगा, एक तो आपके पास वैकल्पिक विषय भी है, ऑप्शनल भी पढ़ना है और आपको यहां पे जीएस भी। और ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल तब हो जाता है जब आपका कंपटीशन बहुत हाई लेवल स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ हो जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, जो इस पद के लिए, जो इस क्षेत्र में अपना आपका एक पद जो सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, उनको बहुत ही क्लियर दिमाग में रखना चाहिए कि मेहनत आपको करनी है और मेहनत कंसाइज मटेरियल के साथ करनी है, जो परीक्षा प्लस आपके लिए बहुत दिन रात मेहनत करके इतना सब कुछ छांट के लेके आई है। मैं बता दूं, जो आपको मैं दिखा देता हूं कि क्या क्या आपको मिलेगा। जैसे ये सबसे पहले आप देख लीजिए, सामान्य अध्ययन की स्पेशली जीआईसी प्रवक्ता के लिए ये आपकी पुस्तिका बन रही है। लगभग आपका इस पर काम बहुत तेजी से हो रहा है, सारी बहुत ज़्यादा जो भी अपडेटेड हो सकता है किया जा रहा है, पूरी टीम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रही है इसके लिए। तो सामान्य अध्ययन के आपको इसकी पुस्तिका दी जाएगी, ये जीएस का कंबाइन होगा। मैं आपको बता दूं, जीएस का कंबाइन होगा और इसी में बहुत ही फिल्टर्ड जो आपसे पूछ सकता है, जहां से प्रश्न निश्चित आ सकता है, ये करीबन मैं आपको 150-200 पेज की पुस्तिका दूंगा, जिससे अगर आप पढ़ लोगे तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, ये परीक्षा प्लस की गारंटी है। इसके अलावा आपको जो मैं 2500 प्रश्न की प्रश्न श्रृंखला की बात कर रहा था, ये सामान्य अध्ययन के दिए जाएंगे। इसके अलावा यूपी के 400 प्लस दिए जाएंगे और आपको डेली प्रैक्टिस इस फॉर्म में अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। बहुत सारे बच्चे यहां पर सोच रहे होंगे कि फीस क्या है, तो मैं फीस बता दूं, फीस बहुत नाम मात्र है। अब फीस स्ट्रक्चर की थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं बहुत डिटेल में, और आज ही से आप इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। हाँ, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेता हूँ, आज ही से इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, तो आज ही आप रजिस्टर कर सकते हो दिए हुए नीचे नंबरों पे। मैं आपको नंबर और भी अभी बता दूंगा जहाँ से आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे एक तो जीएस आपका पेपर वन है, प्री की बात कर रहा हूँ, और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसे हम विषय वार भी बोल सकते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। जीएस की जो फीस रखी गई है वो 1999 रखी गई है, 2000 रुपये बोल सकते हैं। ऑप्शनल की जो फीस रखी गई है 3999 या 4000 रखी गई है, आप ऐसे बोल सकते हैं। प्रथम 50 विद्यार्थियों के लिए फ्लैट 25% का ऑफ हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टीजीटी पीजीटी के लिए पहले से ही कोर्स ले रखे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, आपको पूरा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आप केवल जीएस वाला कोर्स ले लो तो आपका यहां पे सब कुछ हो जाएगा और इस पे भी 25% ऑफ हो जाएगा। तो ये कोर्स आपको 1500 में पढ़ने वाला है, पूरा जीएस। इस 1500 में आपको पूरी वीडियो क्लासेस, ये सारे बुकलेट, सारे प्रैक्टिस सेट, सब कुछ मिलने वाला है। और अगर आप ऑप्शनल भी चाहते हो तो ये भी आप अभी से ले सकते हो। इसकी क्लासेस अभी से चालू हो गई हैं, कल ही आपको पहला डेमो मिल जाएगा, है ना, पहला डेमो, और वहां से आप देख सकते हो। सारी क्लासेस चालू हो गई हैं, आपको देर नहीं करना है, सारे मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हो गए हैं, एक एक पल अब आपका जरूरी हो गया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी आपको सारी जितनी जानकारी होगी, कौन कौन से विषय चला रहे हैं, कब चला रहे हैं, उनकी टाइमिंग क्या है, सब कुछ बता दिया जाएगा। मैं अभी फिलहाल फीस बता दे रहा हूं, और चाहे जो सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, सभी का फ्लैट फीस 4000 रखा गया है, ताकि आपको किसी भी विषय से बिलोंग कर रहे हो तो आप पे एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। आपके छात्र हित में एक सुविधा और रखी गई है, आप चाहो तो केवल ये ले सकते हो, आप चाहो तो केवल ये ले सकते हो, 25% वो भी टॉप 50, यानी कि जो पहले फर्स्ट 50, पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब किताब है, फर्स्ट 50 स्टूडेंट को ही मिलेगा। उसके बाद ये फीस 1999 जीएस के लिए और 4000 ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, मतलब टोटल की 6000 हो जाएगी। टोटल की फीस जो हो जाएगी वो 6000 हो जाएगी। अभी ये टोटल फीस कितनी है, 4500 है डिस्काउंट के बाद, तो देर मत करिए, जिन्हें भी लेना है ले सकते हैं। इसकी फीस 1500 है और उसकी भी 25% आपकी सीधा ऑफ हो जाएगी, तो 3000 रुपए इसकी फीस एग्जैक्टली है। बात इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। एक छात्र हित में और भी रखा गया है ऑप्शन, कि अगर कोई वीडियो क्लास नहीं लेना चाहता है और उसको चाहिए कि सारे के सारे उसको नोट्स मिल जाएं, प्लस वो डेली प्रैक्टिस करना चाहता है और सारे पीडीएफ करना चाहता है, तो उसके लिए भी एक सुविधा रखी गई है जो केवल 699 रुपए की है, जिसमें वीडियो क्लास आपको नहीं मिलेगी, बाकी सारी चीजें मिल जाएगी 699 में। और इसमें भी जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट हैं उनको सीधा 25% ऑफ मिलेगा। अभी फीस इसकी कम है,
निर्धारित समय 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपकी ये फीस महंगी कर दी जाएगी, जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है 699 वो कर दी जाएगी। अभी आपको इस पे 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो देर मत करिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और एक अगर आप जगह बनाना चाह रहे हैं तो इतना अच्छा, इतना कंसाइज मटेरियल, इतनी अच्छी वीडियो क्लासेस शायद आपको नहीं मिलेगी। आपके भविष्य का सवाल है, बहुत दम लगा के मेहनत करना है और हमें एक चांस यहाँ पे छीनना है। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे इस चीज को बहुत अच्छे से सीरियसली लोगे। बता दूं आप कोर्स परचेज करने के लिए ये नीचे दिए हुए किसी भी नंबर पे 9450006007 पे कॉल कर सकते हैं, या आप इन नंबर पे भी कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सीधा आप क्या लिख दो, ज्वाइन GIC, बस ये करके आप इन पे व्हाट्सएप कर दो या इस नंबर पे सीधा कॉल कर लो, तो आपको सारी जानकारी भी दे दी जाएगी। आप कोर्स परचेज कहाँ से कर सकते हैं, आप कोर्स डायरेक्ट हमारे परीक्षा प्लस ऐप, परीक्षा प्लस गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए। परीक्षा प्लस ऐप से आप डायरेक्ट वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट live.parikshaplus.org वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, live.parikshaplus.org से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या इसके बाद भी कोई समस्या होती है तो 9459506007 या 9129769780 इस किसी भी नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, तो भी आपकी यहाँ पे समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो देर मत करिए, जितने जल्दी हो सकता है, जितने जल्दी से जल्दी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे, उतनी ही जल्दी आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं, आप सीधा आपकी क्लास में मिलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से एक एक सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।